अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवानी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नासिर शेख, इनकी एनसीपी के शहर कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। परवानी के नासिर शेख, ये एनसीपी अजीत पवार गुट के शहर कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति का पत्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे इन्होंने अपने हस्ताक्षर द्वारा तारीख 26 दिसंबर 2023 के रोज शेख नासिर ने ये नियुक्ति पत्र जारी किया है। नासिर शेख के सामाजिक कार्य और पार्टी की निष्ठा को देखते हुए उन्हें यह शहर कार्यकारी अध्यक्ष पद सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी के विकास के साथ साथ संगठन को निर्माण करने और पार्टी के लक्ष्यों को और नीतियों को आम लोगों तक पहुँचाने का उद्देश्य सामने रखते हुए विश्वास जताया है कि पार्टी के ध्येय धोरण को इस तरीके से वो परवानी शहर में आगे बढ़ाएंगे। ज्ञात रहे कि शेख नासिर ये परवानी के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके कट्टर समर्थक है। नासिर शेख की पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए परवानी महानगर पालिका के प्रथम महापौर और राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इन्होंने उन पर प्रथम भरोसा जताते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक युवा नेता शहर को कार्यकारी अध्यक्ष पद की जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख ने हमेशा जो तो सभी का कार्य करते हुए श्रमिकों को न्याय दिलाने का काम किया है। नासिर शेख को उनकी नियुक्ति पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बधाई दी जा रही है। परवानी तहसील के मौजे नागापुर स्थित ग्रामवासियों ने शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 के रोज परवानी के उप जिला कलेक्टर और जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी इन्हें निवेदन देते हुए निवेदन में कहा है कि मौजे नागापुर स्थित राशन दुकानदार कार्ड धारकों को किसी तरीके से माल नहीं दे रहा है और साहित्य नहीं देने की वजह से यहाँ के नागरिकों की परेशानी हो रही है। इस परेशानी को देखते हुए 27 दिसंबर के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया था, लेकिन उस निवेदन पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण नागापुर स्थित ग्रामवासियों निवेदन देकर तुरंत इस पर कार्रवाई करें ऐसी मांग की है। अगर से कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, अमर अनशन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा है। इस समय ग्रामवासी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। माझं नाव कुंडूबाई गोविंदराव आगळे, चिट्ट्या काढते नंतर या जा म्हणताय उद्या या, काय करायचंय ते करा, जाता शिल्ला जा, कुठं जाते तिथं काय करायचंय ते करा। कोण म्हणते? ते राशन वाटणार, दारू पिलेलाच असते त्याचं नाव, पिलेलाच राहते या, दारू पिते आम्हाला म्हणतोय उद्याच्याला या, उद्याच्याला आला तरी दारू सुटत नाही, दारू पिलेलंच राशन वाटतंय म्हणे, आम्हाला भरपूर राशन वाटतीच तेव्हा त्याची तक्रारच असती। गावातील राशन दुकानदार लक्ष्मण देशमुख हा योग्य पद्धतीने गावामध्ये राशन वाटप करीत नाही आणि गोरगरीब जनतेला वेठीस धरीत आहे, आरोच्य भाषेमध्ये भाषा करीत आहे। या संदर्भामध्ये आम्ही शासनाला 2 दिवसापूर्वी निवेदन दिलं होतं, पण त्याच्यावर शासनाने कुठल्याही प्रकारची कारवाई न करता, आणि आज पण आम्ही पुरवठा अधिकारी काळेसाहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे, याच्यानंतर जर शासनानं जर कारवाई योग्य ती कारवाई नाही केली तर पूर्ण गावातील लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोपर्यंत राशन चांगल्या पद्धतीने वाटप होणार नाही गावामध्ये तोपर्यंत उपोषण करतील। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। काम में ढिलाई बरतने पर 5 कर्मचारियों को निलंबित। विकास भारत संकल्प यात्रा की लापरवाही बरतने वाले उन 5 कर्मचारियों को परवानी के जिला परिषद के सीईओ विनय मुन इन्होंने कार्रवाई करते हुए सेलू तहसील के 5 कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की है। सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने की प्रक्रिया जम्मू के जिले में चल रही है। इस अभियान में ढिलाई बरतने वाले सेलू तहसील के 5 कर्मचारियों को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मुन इन्होंने निलंबित कर दिया है। तारीख 29 दिसंबर 2023 शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरकार के विश्व भारत संकल्प यात्रा चित्ररथ सेलू तालुका में घवा ग्राम पंचायत में पहुंची, परंतु जिम्मेदारी सौंपे गए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं रहने के कारण केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं को नागरिकों तक पहुँचाना एक तकनीकी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इसके चलते ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर संबंधित आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, एकात्मिक बाल विकास परियोजना कार्यालय सेलू, आरोग्य सेवक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वालूर, शाखा अभियंता पंचायत समिति सेलू, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत कार्यालय गवा तहसील सेलू
और एचएम जिला परिषद प्राइमरी स्कूल दवा तहसील सेलू, ऐसे 5 कर्मचारियों को महाराष्ट्र जिला परिषद जिला सेवा शिस्त व अपील 1964 के नियम 3 के तहत परभणी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मुन इन्होंने तारीख 29 दिसंबर 2023 शुक्रवार के रोज आदेश के तहत निलंबित किया है। जिला कलेक्टर का ऑफिस से तारीख 22 अगस्त 2023 के रोज पत्र और पंचायत विभाग जिला परिषद परभणी इन्हें तारीख 12 दिसंबर 2023 के रोज पत्रने में परभणी जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम कामयाबी के साथ दबाए जाने के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित दिए गए थे, परंतु संबंधित कर्मचारियों ने अपने काम में लापरवाही बरतने के कारण सरकारी काम में लापरवाही बरतने से उन्हें ये मामले पर दर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। 31 मनाने वाले हो जाए होशियार, अब तुम्हारे 31 में किसी प्रकार की अवैध शराब को मौका नहीं दिया जाएगा, वहीं इधर दबा जाएगा। 31 नए साल की शुरुआत होने के मौके पर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। इसमें बताया गया है कि ये टीमें अवैध शराब परिवहन और उसी तरह से बिक्री पर नजर रखेगी, इसलिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने नागरिकों से जागरूक रहने की अपील की है। राज्य उत्पाद शुल्क परभणी के SP गणेश पाटिल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग परभणी यांच्या मार्फत माननीय आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य व माननीय विभागीय उपायुक्त नांदेड विभाग व संचालक अंमलबजावणी दक्षता यांच्या कार्यालयाकडून नाताळ व नवीन वर्षाच्या अनुषंगाने ज्या विभागाने दक्षता घ्यायच्या आहेत की त्यासाठी विशेष कामकाज जे करायचं आहे त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क परभणी यांनी देखील विशेष तयारी केलेली आहे। आमच्याकडे जिल्हाभरात नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या निमित्ताने लोक उत्साहाने जे त्याचं जे सादरीकरण करतात त्यामध्ये कुठल्याही उत्साहाला अवैध मद्यामुळे, बेकायदेशीर मद्यामुळे किंवा बनावट मद्यामुळे त्याला गालबोट लागू नये, शासनाच्या महसुलाची हानी होऊ नये किंवा कुठलाही गैरप्रकार घडू नये यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे। त्यासाठी आमच्या विभागाने आमचे निरीक्षक परभणी आणि निरीक्षक भरारी पथक यांच्या नेतृत्वाखाली 4 पथकं तयार केलेली आहेत, यामध्ये आमचे कार्यकारी अधिकारी भरारी पथक आणि प्रभारी अधिकारी घटकांवरच्या आसामी घटकांवरच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नियुक्त करून रात्र गस्तीचे नियोजन करून संशयास्पद ठिकाणे संशयित व्यक्ती यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असून त्या ठिकाणी जर काही गैरप्रकार आढळून आले तर त्यांच्यावर तात्काळ प्रभावाने कारवाई करण्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। त्यासोबतच लोकांमध्ये उत्साह मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे विशेष कार्यक्रमांचे देखील आयोजन केले जाते, यामध्ये विशेष काही पार्ट्या कोणी आयोजित करत असते 31 डिसेंबरच्या निमित्ताने 9 वर्षाच्या स्वागताला, तर त्यासाठी विभागाकडनं एक अनुज्ञप्ती घ्यावी लागते। तर आपल्या चॅनलच्या मार्फत मी लोकांना आवाहन करतो की कोणाला जर असं काही कुठलेही कार्यक्रम नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी पार्ट्यांचं आयोजन करायचं असेल आणि त्या ठिकाणी मद्याचा वापर करायचा असेल तर ती विभागाची परवानगी घेऊनच करण्यात यावी, बेकायदेशीर पार्ट्यांचं आयोजन करण्यात येऊ नये त्यावर विभागामार्फत कडक कारवाई करण्यात येईल। त्यासोबतच मद्य पिणाऱ्यांना विभागाकडनं साधारणतः 15 ते 20 हजार परवाने देशी आणि विदेशीचे आम्ही विभागाकडनं वाटप करत आहोत। यासोबत जे संवेदनशील भाग आहे जिल्ह्याचा, ज्या ठिकाणी बाहेर जिल्ह्यातून किंवा परराज्यातून मध्य येण्याची शक्यता आहे अशा ठिकाणी सुद्धा आम्ही या गस्तींमध्ये विशेष लक्ष ठेवून आहोत आणि त्या ठिकाणी कुठलाही गैरप्रकार आढळल्यास त्यावर आम्ही कारवाई करणार आहोत। तर आपल्या चॅनलच्या मार्फत लोकांना असं आवाहन आहे की या अवैध मद्याच्या संदर्भात किंवा कुठली बेकायदेशीर ॲक्टिव्हिटी या संदर्भात आपल्याला आढळून आल्यास आमच्या विभागाला आपण संपर्क साधावा, त्यावर विभागामार्फत कारवाई करण्यात येईल। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जागृति कॉलोनी स्थित CC रोड के उद्घाटन भाजपा नेता विजय वरपुड़कर इनके हाथों संपन्न। श्री सह्याद्री व्यायाम शाला और
युवक क्रीड़ा मंडल इनके सदस्यों की कोशिशों से और विधायक विप्लव बजोरिया इनके निधि से पूर्व नगर सेविका मंगल मुदगलकर इन्होंने रोड के काम के लिए निधि मंजूर करते हुए भस्मर रोड से लेकर तो जागृति हनुमान मंदिर तक की सीसी रोड का उद्घाटन भाजपा नेता विजय राव अर्पुड़कर इनके हाथों किया गया। इस समय भाजपा के महानगर जिला अध्यक्ष सुनील देशमुख, रुपेश अग्रवाल, जिला नियोजन समिति सदस्य अनंता पारवे, सुनील मुदगलकर, राजेश गड़ाकाटू, मनोज गुरु धर्माधिकारी, प्रदीप मनवनवार, रामराव जाधव, अनिल चाटोरीकर, तुलसीदास बोराळकर, शकुंतला मठपति, अन्नपूर्वे ताई, सुनीता घुगे आदि इस समय हाजिर थे। कार्यक्रम के दरमियान भाजपा के ऋतुजा जोशी इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर इनके जयस्तुति में गीत वंदना पेश की। कार्यक्रम का प्रस्ताविक सह्याद्री मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष अनिल मुदगलकर ने किया तो आभार प्रदर्शन पूर्व नगर सेविका मंगला मुदगलकर इन्होंने माना। इस समय जागृति महिला मंडल के सभी महिला पदाधिकारी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अजिंक्य मुदगलकर, दीपक शिंदे, हरिभाव काले के साथ सह्याद्री मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने मेहनत ली। आज वसमत रोड ते मारुती मंदिरापर्यंत सीसी रोडचं उद्घाटन झालेला आहे। हा नितीन बजोरिया आमदार यांच्याकडनं यांच्या माध्यमातून हा आपल्याला मिळालेला आहे। आणि खरं तर त्यांच्या विपुल बजोरिया यांच्या आधी आमच्या मेघनाताई दीदीचा निधी आम्हाला 3 कोटी ह्या प्रमाणामध्ये मला त्यांनी दिलेला होता, पण काही कारणास्तव याला पुढे ढकलत जावं लागलं, कारण काही त्याच्यावर आक्षेप आणलेला होता, पण आज तोही आक्षेप आम्हाला आमच्या मनासारखा झालेला आहे। आणि यापुढे जसा फुले बजोरिया यांनी जसा आम्हाला निधी दिलेला आहे तसा मेघनाताईचा हे मिळून माझा वाड एवढा स्मार्ट जागृती कॉलनी आणि तसंच प्रभाग 15 असा सुंदर एरिया होईल त्यात काही दुमत नाही। पण निधीचे पण आभार आणि फुले बजोऱ्यांचे पण आभार की त्यांनी हे निधी दिला। आज तारीख 29 दिसंबर 2023 शुक्रवार के रोज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से परभणी के जिला कलेक्टर और मनपा प्रशासक के आयुक्त इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभणी शहर के हमेशा ही नजरअंदाज किए जाने वाले प्रभाग क्रमांक 12 में विविध नगर समस्याओं को, रास्तों को और यहाँ के नालियों की गंदगी को देखते हुए यहाँ के नगरवासी पंचशील नगर, मंत्री नगर, बाबर कॉलोनी, मुनिम कॉलोनी, विकास नगर, अलीबाग नगर, संबोधी नगर और इस अन्य नगरों में भी रास्ते की बड़ी खस्ता हालत है। इसको देखते हुए यहाँ के रास्तों को जल्द से जल्द सुधारा जाए और यहाँ के गंदगी को दूर किया जाए, साफ किया जाए। इस मांग को लेकर प्रभाग क्रमांक 12 के सभी नागरिकों ने रास्ते पर उतरने की बात कही है। इस समय दिए गए निवेदन पर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा जिला अध्यक्ष सुमित भालेराव, युवा जिला उपाध्यक्ष गणेश घाड़े, युवा जिला महासचिव सतीश वाकड़े, युवा जिला उपाध्यक्ष कृष्णा शिंदे, युवा उपाध्यक्ष ऋषिकेश चौरे, युवा जिला सचिव रमेश घनगाव, शहर अध्यक्ष प्रमोद भावकुटे, किरण आगड़े, करण गोदम, करण हिंगोले, प्रोफेसर बालासाहेब घाड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज वंचित बहुजन युवक आघाड़ी वतीने माननीय कलेक्टर साहब यांच्याकडे निवेदन देऊन प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे त्याचं आम्ही वंचित बहुजन युवक आघाडीच्या वतीने निवेदन दिले आणि त्यांना सांगितलं की रस्त्याची जी दुरावस्था झाली त्याची डागडुगी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून डागडुजी करून देण्यात यावा, लवकरात लवकर नाही केलं तर लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करणार आहोत। वंचित बहुजन युवक आघाडीच्या वतीने परभणी शहरातील प्रभाग क्रमांक 12 मधील अत्यंत रस्त्याची व नाल्याची दुरावस्था झालेली आहे। युवक वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हाधिकारी साहेबांना वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निवेदन देण्यात आलेलं आहे। अतिरिक्त आयुक्त कलेक्टर साहेब उपस्थित असताना काळे साहेबांनी महानगरपालिकेमध्ये स्वतः कॉल करून प्रभाग क्रमांक 12 मधील या रस्त्याची व नाल्याची दुरावस्था कशी दूर होईल हे फोनद्वारे निवेदनाद्वारे त्याला कळविले। तरी महानगरपालिकेनं आम्ही विनंती करतो वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने की लवकरात लवकर प्रभाग क्रमांक 12 मधली समस्या दूर व्हावी, अन्यथा युवक वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महानगरपालिकेवर भव्य मोर्चा व आंदोलन करण्यात येईल। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौहान
चौराह से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभणी स्थित शिवाजी कॉलेज के सभागृह में तारीख 28 दिसंबर 2023 गुरुवार के रोज चतुरांग प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित यशवंतराव चव्हाण दो दिन की व्याख्यान मालाएं आयोजित की गई थी। इसमें प्रथम पुष्प गुप्तान्ना आनंदाता वाटा इस विषय पर कमलकर इन्होंने व्याख्यान में एकदम हंसते हुए इन विषयों को रखा और जिसमें उनके तालियां और हास्यमय माहौल बनता रहा। कई बार उन्होंने दर्शकों को अंतर्मुख कर दिया। श्री कमलकर ने आगे कहा कि आज के समय में बेचैनी और दुख खरीदा जा चुका है। पहले लोग गलतियों में खुशी ढूंढते थे, अब खुशी में गलतियां ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम इससे दूर होते जा रहे हैं। जीवन में खुशियां जो लोग दूसरों को दुख में आनंद लेते हुए वो पागल है, अब हर कोई बेचैनी से जी रहा है, क्योंकि जो वास्तविक है उसे स्वीकारने के बजाय हम कई अवास्तविक उम्मीदें रखते हैं और निराशा के ग्रस्त में गुम हो जाते हैं। मोबाइल हमारा अत्यावश्यक वस्तु बन चुका है, जो भोजन कपड़े आश्रय के भी अधिक टीवी धारावाहिक। हम आभासी दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमें अपने आसपास की वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं है। हम अपने घर के लोगों के साथ बातचीत करने की तुलना में टीवी धारावाहिकों को और पात्रों को अधिक करीब महसूस कर रहे हैं। फेसबुक पर हम वैश्विक पीड़ा के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन वो इस बात पर अफसोस जताते हैं कि घर पर माता पिता पत्नी और बच्चों को सुख दुख के प्रति हमारी संवेदनाएं कमजोर हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के अधिकता ने जीवन में आनंद को कम कर दिया है। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बिगड़ी हुई पीढ़ी बता रही है, लेकिन बुजुर्गों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। इससे उन्हें घर में अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब रिश्ते भी ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे स्वीकार करना चाहिए। कमलकर ने सलाह दी कि सच तो यह है कि खुशी हर जगह है, लेकिन आपको इसको ढूंढना होगा। शुरू में संजय कमलकर इनके साथ विनय मोहरीर, प्रिंसिपल बाला साहब यादव, प्रिंसिपल वामनराव यादव, भागवत काकड़े, प्रिंसिपल सुरेश नायकवाड़े, इन्होंने दीप प्रज्वलित कर यशवंतराव चव्हाण इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पित करते हुए अभिवादन किया। ऋतु प्रिया यादव इन्होंने स्वागत गीत पेश किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक सुभाष ढगे इन्होंने किया, तो कार्यक्रम का संचालन और प्रमुख अतिथियों का परिचय संकेत बाला साहब यादव इन्होंने करते हुए शिवाजी गनपुरकर इन्होंने आभार माना। कार्यक्रम में शहर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी लिए हुई पहली न्यूज़ आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।